हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा, बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विद मिरेकल चैनल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको बात करेंगे डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला। चूंकि डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिक्स के आपके रिलेशन में आपको हर जगह ये मिलता है, हर जगह हर टॉपिक पे आपको मिलेगा कि इस चीज का डायमेंशन क्या होगा। इस चीज का डिफिनेशन देने के बाद, यूनिट देने के बाद आपको डायमेंशन जरूर पूछेगा। तो इसलिए चलिए आज देख लेते हैं, सीख लेते हैं कि डायमेंशन कैसे, किसी भी यूनिट का हम कैसे पता कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो को अंत तक, बने रहे और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चूंकि इसका नाम क्या है, डायमेंशन बीमा बीमीय सूत्र, डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला। तो बीमा और बीमीय सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आप जान लें कि आप जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए आपको मूल मात्रक पर जो आपको घाते चढ़ाई जाती है, मूल राशियों पर जो घाते चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं, बीमा। ठीक है, यानी किसी भौतिक राशि की बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए उसके मूल राशि पर व्यक्त किया जाता है, यानी कि उसके घातों पर व्यक्त किया जाता है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपको मूल राशि है उसके ऊपर जो पावर लगा देती है, जो घाते लगा देती है, उसको हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। लेकिन उसके बीमे के माध्यम से, उन बीमाओं के माध्यम से बना हुआ सूत्र का नाम क्या है, बीमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला। बीमा और बीमीय सूत्र में बहुत अंतर है, आपको समझना होगा। बीमा और बीमीय सूत्र में बहुत डिफरेंस है। बीमा जो है आपको सिर्फ एक घात का नाम है, और बीमीय सूत्र जो है आपको पूरा एक डायमेंशन, पूरा एक आपको फॉर्मूले टाइप के प्राप्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। किसी भी बीमा को लिखने के लिए आपको कौन कौन सा चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे किलोग्राम हो चाहे कुछ भी हो, आपको द्रव्यमान के लिए लेटर, बिग लेटर एम का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको द्रव्यमान हो, कोई भी मास हो, उसमें आपको क्या करना है, एम का यूज करना है डिनोट में। ठीक है, और आपको लंबाई हो, कोई भी लेंथ हो उसके लिए आपको एल का यूज किया जाता है। आपको समय के लिए क्या यूज किया जाएगा, समय के लिए टी यूज किया जाएगा। ठीक है, एम एल टी, और आपको कहीं टेम्परेचर मिल जाता है तो वहां पर थीटा का यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एम एल टी में ही आपकी पूरा बीमा, पूरा डाया जो आपको, पूरा आपको डायमेंशन जो है क्या होगा, इंड हो जाएगा। तो इन चीजों का हम जिक्र करेंगे, एम एल टी। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल की बीमीय सूत्र। तो क्षेत्रफल में हम देखते हैं, किसी का भी अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। किसी भी यूनिट का अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सूत्र लिखेंगे। तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ क्या हो गया, लंबाई, और ब्रेथ क्या हो गया, चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और क्या हो गया, चौड़ाई। तो चूंकि लंबाई जो है एक प्रकार की लेंथ है, और चौड़ाई भी एक प्रकार क्या है, लेंथ ना है, तो लंबाई भी एक प्रकार की लेंथ है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ है। हमने बताया कि कोई भी लेंथ उसके लिए क्या यूज करेंगे, बिग लेटर एल। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, फिर इसको हम क्या लिखेंगे, एल, इसको भी हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इन दोनों के मिलने से क्या बना, एल स्क्वायर, और ये आपको साइन जो है, ये जो आपको साइन है, ये आपकी साइन जो है बीमा की साइन है। बीमीय सूत्र में आपको बिग ब्रैकेट में क्या किया है, बंद कर दिया रहता है, बिग ब्रैकेट में क्या किया है, बंद किया था। अब देखेंगे, अब यहाँ पर बात आ रही है कि इसमें बीमा क्या है। अब पूछ सकता है
कि एल की बीमा क्या है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में आपको लंबाई की बीमा क्या है दो है, लंबाई की बीमा क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल में, लंबाई की बीमा क्या है, लंबाई की बीमा यहाँ पर क्या है दो है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस में, यहाँ पर लंबाई की बीमा क्या है दो, लेकिन वही आपको क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या है तो एल के पावर टू और बी ब्रैकेट, एल के पावर टू और ब्रैकेट, ये टोटल आपको बीमीय सूत्र कहलाएगा, डायमेंशन फार्मूला कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर एल की बीमा जो है, एल की जो डायमेंशन है वह सिर्फ क्या है दो है। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। जैसे हमारा आयतन है तो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई भी एक प्रकार की लेंथ है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लेंथ है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लेंथ है, तीनों लेंथ है, तो ये भी आपको एल हो गया, ये भी आपको एल हो गया, ये भी आपको एल हो गया, तीनों को लिखेंगे तो एल के पावर थ्री और ये हो गया डायमेंशन, यानी एल की बीमा आपको यहाँ पर तीन है, लेकिन आयतन का बीमीय सूत्र क्या है एल के पावर थ्री है, और ये आपको बिग ब्रैकेट में हमेशा डायमेंशन फार्मूला जो होगा हमेशा आपको बिग ब्रैकेट के अंदर रहता है, क्योंकि ये आपको सिंपल था, लेकिन हम चलते हैं अब गहराई में, इसकी गहराई में चलते हैं, देखते हैं बड़े बड़े फार्मूले का डायमेंशन आप कैसे लिख लेंगे चुटकियों में, चुटकियों में आप बड़े बड़े डायमेंशन का स्ट्रक्चर लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे चलिए हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले आपको घनत्व की, जैसे अगर हम बात कर ले घनत्व की, घनत्व की डायमेंशन क्या होगी, घनत्व की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी, तो आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बट्टा वैल्यूम, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाई वैल्यूम, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे द्रव्यमान का भी बीमा चाहिए आयतन का भी बीमा चाहिए, द्रव्यमान के लिए क्या हमने बताया था मास के लिए हमने बताया था एम यूज करेंगे, और आयतन के लिए हमने अभी निकाला, आयतन के लिए क्या निकाला एल के पावर थ्री, और ये भी बंद है ये भी बंद ये भी बंद ये भी बंद। ठीक है, अब ए वाला पोर्शन जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस बनेगा एम एल माइनस थ्री, यहाँ पर वह कुछ है या नहीं है इसको वन भी मान सकते हैं, हो जाएगा एम एल माइनस थ्री एम एल माइनस थ्री। अब कहीं कह सकता है कहीं कहीं आपको साइलेंट भी होता है जैसे टी साइलेंट, इसको लिखेंगे एम एल के पावर माइनस थ्री और टी के पावर जीरो, ये भी सही है। ठीक है, चूंकि टी की नहीं है, टी की बीमा यहाँ पर नहीं है जीरो है, एम की बीमा आपको एक है, एल की बीमा क्या है माइनस थ्री है, तो इस तरह भी आपको साइलेंट करके लिख सकता है। ठीक है, साइलेंट करके इस तरह भी आपको लिखा जा सकता है, चूंकि आपको टी की बीमा नहीं है तो उसको लिखेंगे जीरो लगा लेंगे, एम एल टी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जिसका वैल्यू नहीं है उसको आप जीरो आपको पावर देंगे साइलेंट कर लेंगे, तो हो जाएगा एम आपको हो गया आपको घनत्व का हो गया एम एल थ्री टी नॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको अगर बता दें आवृत्ति, आवृत्ति की अगर आपको फ्रीक्वेंसी की अगर आपको डायमेंशन निकाले फ्रीक्वेंसी की आपको बीमा पता करें कैसे पता करेंगे, तो हमने बताया कि जब भी आपको पता करें तो उसकी फॉर्मूला क्या होनी चाहिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, आवृत्ति बराबर क्या होता है एक बट्टा आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर क्या होता है एक बट्टा आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर क्या होता है एक बट्टा आवर्तकाल, एक बट्टा और आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब टाइम, आवर्त मतलब टाइम, तो टाइम का मतलब क्या होता है टी, तो हम सिर्फ क्या यहाँ क्या लिखेंगे टी, और यही टी आपको ऊपर जाएगा तो बनेगा टी के पावर माइनस, टी के पावर माइनस वन, ये भी सही है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर आपको एम नहीं है एल नहीं है तो इसको सजाने के लिए क्या लिख सकते हैं एम जीरो लिख सकते हैं एल जीरो लिख सकते हैं टी माइनस वन लिख सकते हैं।
अच्छा दिखने के लिए, बेटर दिखने के लिए, बेटर दिखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, बेटर दिखने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं एम एल टी, क्योंकि एम की बीमा यहाँ पर जीरो है, एल की बीमा जीरो है, लेकिन टी की बीमा क्या है, माइनस वन है, माइनस वन है, टी की बीमा क्या है, माइनस वन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, बने रहें, और भी आपको बहुत सिंपल सिंपल सा ट्रिक से बताया जाएगा, लंबे लंबे फॉर्मूले का आपको बताया जाएगा कैसे डायमेंशन बनाना है। तो बने रहे वीडियो तक, अंत तक बने रहे, पूरा आपको कंसेप्ट दिया जाएगा कि आप कभी भूल नहीं सकते। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा हाई लेवल में चलते हैं, जैसे हमको दे दिया बल, हमको दे दिया बल, बल की बीमा क्या होती है, फोर्स की बीमीय फॉर्मूला क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होती है, कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बल के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, तो हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण, एम ए, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टा समय, ठीक है, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। अब चूंकि वेग में से वेग को, अब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय, वेग बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, और वेग बराबर क्या होता है, सब देख लेंगे, सब आपको पता होने चाहिए तभी आप बना सकते हैं, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन एक प्रकार की क्या है, दूरी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एल, और ये क्या आपको टी, ऊपर आए तो माइनस वन, एल टी माइनस वन हो गया, वेग के लिए गया एल टी माइनस वन, और वेग परिवर्तन मतलब क्या हो, वेग में से वेग, वेग में से वेग माइनस करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करेंगे क्या होगा, वेलोसिटी ही आएगा, ये हो गया आपको एल टी के पावर माइनस वन, नीचे क्या है आपको टी एक और है, ये हो जाएगा एल टी के पावर माइनस टू, ठीक है, ए टी आपको माइनस मिल जाएगा, माइनस में तो हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। अब ए वाला पोर्शन हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो द्रव्यमान की क्या होती है एम, और त्वरण के लिए क्या हो गया एल टी माइनस टू, हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ठीक है, ये हो गया आपको फोर्स का, फोर्स का क्या हो गया आपको डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, ऐसे आप इसको राइट करेंगे सिंपल मेथड से, सिंपल मेथड से। अब चलते हैं हाई लेवल में, हाई लेवल में चलते हैं, चलिए अगर आपको बतानी हो गतिज ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बतानी है तो कैसे बताएंगे, गतिज ऊर्जा की काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन फॉर्मूला बतानी है तो क्या बताएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी आपको फॉर्मूला क्या होती है, तो वन बाई टू यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ m क्या है आपको मास है, भी क्या है आपको वेलोसिटी है, m क्या है मास है, भी क्या है वेलोसिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन बाई टू, वन बाई टू तो आपको चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तो वैल्यू कुछ होती नहीं है, कांस्टेंट आपको साइलेंट कर लिया, क्या लिया जाएगा, साइलेंट कर लिया जाएगा, बचा आपको m, m के लिए लिखेंगे m, ठीक है, और ये आपको m हो गया, और ये आपको क्या है वेग, तो वेग के लिए हमने अभी पढ़ा, वेग के लिए मैंने अभी पढ़ा क्या होता है एल टी माइनस वन, और इसका क्या है स्क्वायर, तो हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा टी माइनस टू, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगा एम एल टू, एम एल टू, और हो जाएगा टी माइनस टू, ठीक है, इस तरह आप किसी भी यूनिट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए और भी आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए,
और भी आपको प्रैक्टिस करा दिया जाए। अब हम चलते हैं आगे की ओर, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसका नाम है आपको आपको चलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल नहीं दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल हाँ। चलिए अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो ये वाला जो है आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा। सबसे पहले ग्रेविटेशनल और जो आपको कांस्टेंट होती है इसको फॉर्मूला क्या होती है आपको पता है, F बराबर क्या होता है जी एम एम बाई आर स्क्वायर होती है। अब यहाँ से ये जी वाला है, इस जी को हमको निकालना है, तो एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू, ठीक है, यही आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी बराबर हो गया एफ आर स्क्वायर बाई एम वन इंटू एम टू, तो इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो m की तो वैल्यू पता होगी, m की क्या हो गया, तो हमको m ये जो f है ये फोर्स है, फोर्स की क्या होती है m l t माइनस टू पता हो गया है। और चूंकि ये आपको r, r मतलब दूरी, r मतलब दूरी रेडियस, तो ये भी आपको एक लंबाई है, यूनिट है, ये हो जाएगा l के स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे m1 m2, ये चूंकि आपको क्या है पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या है मास है, दो ऑब्जेक्ट का m1 m2, तो आपको मास कितने हैं दो है, ये भी हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको ऊपर लेकर, अब इसको हम ऊपर लेकर चलते हैं, क्या होगा, क्या होगा, तो हो जाएगा m एम एल, ये आपको एल दो है यहाँ पर एक एल है, तो हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस टू, क्लियर है ना, एल टू है एक एल यहाँ पे, एल थ्री हो गया, टी माइनस टू है एम टू। अब ये जाके ऊपर है क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस होती हो गया माइनस प्लस माइनस, तो जाएगा सिर्फ माइनस वन, ये जाएगा एल थ्री, ये जाएगा टी माइनस टू, हो गया एम माइनस वन एम माइनस वन एल माइनस थ्री एल थ्री और टी माइनस टू, ठीक है। इस तरह आप किसी भी यूनिट का आपका क्या कहते हैं डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसको एक ही आप चीज याद कर लेंगे, अगर किसी भी यूनिट का डायमेंशन निकालनी है, किसी भी कॉन्स्टेंट का, किसी भी चीज़ का, आपको किसी भी फिजिकल क्वान्टिटी का क्या कहते हैं डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन फार्मूला निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लें, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद करें, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद करें, और एम एल टी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं। मैंने बता दिया आपको बीमा और डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला में क्या अंतर है, जैसे यहाँ पे एम की डायमेंशन क्या है वन, एल की डायमेंशन क्या है थ्री, टी की डायमेंशन क्या है माइनस टू, चूंकि ये डायमेंशन है, और आपको डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ये है, इस फॉर्मूला में रखेंगे m की डायमेंशन माइनस वन, l की डायमेंशन थ्री, t की डायमेंशन माइनस टू, ये डायमेंशन कहलाता है। लेकिन उसी के माध्यम से एक फॉर्मूला बना जिसका नाम क्या है डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये टोटल मिलाकर डायमेंशन फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और दोस्तों जो सके अभी तक चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स।